मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग का प्यार, आपका स्नेह जो मुझको मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सब्सक्राइब एंड लाइक आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111 है। अभी मैं विगत चार दिनों से आपको लग्न के बारे में बतला रहा हूँ, ग्रहों के। आज आपको लग्न में राहु क्या करता है, जिसके भी लग्न में राहु है वो इस वीडियो को देखें, समझें। और ये लग्न का राहु बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही सोच वाला होता है, बहुत अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। राहु ऐसा अच्छा, राहु ऐसा बुरा ग्रह नहीं होते हैं। अगर राहु ऊंच का है तो केतु भी ऊंच का होगा, ये आपको राजा समान सुख दे देगा। अगर नीच का है तो सड़क पर लाके भीख मंगवा देता है। आज आप लोगों को मैं लग्न के राहु के बारे में बोल रहा हूं। कृपया आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए। किसी प्रकार का कोई शंका समाधान हो तो मुझसे कांटेक्ट करके समाधान करवा सकते हैं। जिस सज्जन के कुंडली में मेष लग्न का राहु बैठा हुआ है, मेष लग्न में राहु बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहता है और मानसिक तनाव होता है। दिशा लग्न की कुंडली हो और उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति सदैव धन से ग्रसित, धन विहीन होते हैं, आर्थिक दिक्कतों में रहते हैं। ऐसे लोग इच्छा अनुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं, आर्थिक समस्या इनके साथ असंघर्ष बनी रहती है। जिस सज्जन के कुंडली में मिथुन लग्न हो और उसमें राहु बैठा है, मिथुन लग्न का राहु बैठा है, ऐसे व्यक्ति राजा के समान सुख पाते हैं, अच्छी अवसर इनको मिलता है, अच्छा सम्मान पाते हैं, अच्छी इज्जत पाते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं और सम्मानजनक उन्नति करते हैं। जिस व्यक्ति के कर्क लग्न का राहु हो, ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ापन इनमें आता है, गंदी आदत पकड़ते हैं, नशा पानी करते हैं, भाग्य का उदय नहीं होता है, परिश्रम के अनुसार सफलता नहीं पाते। जिस सज्जन का सिंह लग्न हो उसमें राहु बैठा है, सिंह लग्न का राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग सम्मानजनक शिक्षा पाते हुए भी शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते हैं, शिक्षा होते हुए भी अच्छा नौकरी नहीं मिलता है, अच्छी उन्नति नहीं कर पाते हैं और व्यापार में भी सफलता नहीं पाते। जिस व्यक्ति के कन्या लग्न का राहु हो, ऐसे लोग शत्रु अधिक पैदा करते हैं, बेमतलब का शत्रु बनाते हैं, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद क्रोध के कारण इनके अनेकों शत्रु पैदा होते हैं जो इनके जीवन में हमेशा संघर्ष कराते रहते हैं। जिस सज्जन का तुला लग्न हो और उसका राहु हो, तुला लग्न का राहु हो, ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता है, तलाक तक की समस्या आती है, पति पत्नी में विवाद होता है। अगर कुंवारी लड़की हो, लड़का हो, तो शादी ब्याह में रुकावट लाता है, शादीशुदा हैं तो आपस में संबंध इनके मधुर अच्छे नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक लग्न का राहु हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य ग्रसित रहते हैं, ऐसे लोगों को बीपी की बीमारी होती है, ऐसे लोगों को एक्सीडेंट का भय होता है, ऐसे लोग शारीरिक कष्ट समय समय पर जीवन में प्राप्त करते रहते हैं, जिसके चलते इनको मानसिक पीड़ा होती है। जिस सज्जन का धनु लग्न का राहु हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद करते हैं, बनी हुई इज्जत इनकी समाप्त होती है, नौकरी में है तो सस्पेंड हो जाते हैं, उन्नति नहीं हो पाती है,
व्यापार उद्योगपति हैं तो लंबे घाटा प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के मकर लग्न का राहु हो, लग्न में राहु हो, मकर लग्न का राहु हो, ऐसे व्यक्ति असमाधिक धन पाते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं, नशा पानी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोग अपने व्यापार नौकरी में हमेशा विवादाग्रस्त रहते हैं और विवाद के चलते इनकी उन्नति, इनका व्यवहार, इनका सामाजिक प्रतिष्ठा, इनकी मानसिकता विवादाग्रस्त हमेशा रहती है। जिस सज्जन के कुंभ लग्न हो, लग्न का राहु हो, ऐसे लोग अवसर का लाभ नहीं ले पाते हैं। इनको अवसर अनेकों मिलते हैं मगर अपने कर्म के चलते उनके अवसर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का मित्रों के बीच में रुपया फंस जाता है, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग कर्जा के चलते इनका इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति के मीन लग्न का लग्न हो, उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे महान भाव नौकरी में अक्षमातिक अच्छा पद प्राप्त करते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, व्यापार में तो अच्छा व्यापार में सफलता पाते हैं, उद्योगपति हैं तो उद्योग में अच्छी इनको लाभ मिलता है, प्रशासनिक पद नौकरी में है तो प्रशासनिक पद मिलता है, विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन में अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लकी होते हैं, इनको अक्षमातिक लाभ मिलता है और अपना जीवन सफल बनाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो राहु लग्न के बारे में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनने के बाद इसका आनंद लीजिए। किसी प्रकार का कोई शंका समाधान हो तो मुझसे मेरे मोबाइल के द्वारा संपर्क करिए, मैं उसमें आपके शंका समाधान की पुष्टि दूरियां कम करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।